उसके बाद कहता है कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। तो कहता है कि ऑप्टिक्स डील्स विद द फेनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं कि ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि टेलीस्कोप्स कैसे काम करते हैं, माइक्रोस्कोप्स कैसे काम करते हैं, कैसे कलर जो है वो थिन फिल्म से कैसे कलर एग्जिबिट होता है, एट्सेट्रा आर टॉपिक्स इन ऑप्टिक्स। उसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे कि थर्मोडाइनेमिक्स क्या है। तो थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो थर्मोडाइनेमिक्स में ये सारे ना फिजिक्स के अंडर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो हम अब थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो थर्मोडाइनेमिक्स में क्या करते हैं कि इन कंट्रास्ट टू मैकेनिक्स डज नॉट डील विद थर्मोडाइनेमिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज एज ए होल। अब क्या होता है कि मैकेनिक्स में हम लोग किसी पार्टिकल के मतलब ना किसी बॉडी के मोशन को मतलब देखते हैं, कि जैसे कोई बॉक्स मतलब ना जैसे कोई गाड़ी है वो कितनी तेज चल रही है, कितनी धीरे चल रही है। थर्मोडाइनेमिक ये सब मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि उस मतलब ना बॉडी के मोशन को नहीं देखते हैं, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन को नहीं देखते हैं। किस चीज़ के मोशन को देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपर मतलब उस सिस्टम के, जैसे मतलब ना जैसे कोई आपके पास ना एक गरम लोहा पड़ा हुआ है, तो वो गरम लोहा कैसे मूव कर रहा है ये नहीं देखना है, गरम लोहा के अंदर चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, मतलब उसमें एटम्स कैसे मूव कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, और चेंजेस क्या हो रही हैं इंटरनल एनर्जी में, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, एंट्रोपी कैसे चेंज हो रहा है, एट्सेट्रा, तो ऑफ द सिस्टम, और ये कैसे हम लोग जानते हैं, एक्सटर्नल वर्क या ट्रांसफ़र ऑफ हीट से, मतलब ना हीट ट्रांसफ़र जब होगा तो ये सारी चीज़ों में चेंजेस आती हैं, मतलब ना जो हम लोगों ने मतलब, तो इस तरह से हम लोग ट्राई आउट करेंगे। उसमें भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मतलब ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो मोशंस होती हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे, अच्छे से जानेंगे कि थर्मोडाइनेमिक्स में मतलब ना कैसे चीज़ें गर्म होती हैं, कैसे चीज़ें ठंडी होती हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर के बारे में हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद से कहता है कि डायरेक्शन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेज एट्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट इन थर्मोडाइनेमिक्स। अपना केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस जो है वो किधर से किधर होंगी, मतलब ना कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, या फिर ना प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस चीज़ में पढ़ते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट द माइन्यूट स्केल ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इवन लोअर स्केल ऑफ लेंथ एंड देयर इंटरेक्शन विथ डिफरेंट प्रोब्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्लासिकल फिजिक्स इज इनएडिक्वेट टू हैंडल दिस डोमेन एंड क्वांटम थ्योरी इज करेंटली एक्सेप्टेबल एज द प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। ओवरऑल द एडिफिस ऑफ फिजिक्स इज ब्यूटिफुल एंड इम्पोजिंग यू एंड इम्पोजिंग एंड इम्पोजिंग एंड यू विल अप्रिसिएट इट मोर एज यू परस्यू द सब्जेक्ट। तो अब देखो थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोग कैसे पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हम लोग टेम्परेचर के घटने बढ़ने से मतलब ना बल्क सिस्टम में जो उसके मतलब ना फिजिकल क्वांटिटीज में जो चेंजेस आती हैं उससे हम लोग ये पता करते हैं ना कि उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ें हैं वो कैसे मतलब ना उनका मोशन कैसे हो रहा है, वो तेज चल रही हैं, धीरे चल रही हैं, उनके एंट्रोपी में क्या क्या चेंज आया। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक डोमेन में मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पर अगर सही से आपको जानना है कि ना चीज मतलब ना जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या फोटॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं ये चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, तो वो क्लासिकल फिजिक्स से हम लोग डील नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए किस तरह की एक नए तरह की फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसको क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। और क्वांटम फिजिक्स कैसे डील होता है, तो वो डील होता है क्वांटम थियोरी से, ठीक है। तो उसी से हम लोग क्वांटम थ्योरी से क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फेनोमेना है उस फेनोमेना को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो बड़ी ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। फिजिक्स जो है वो क्या है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, जो कि आप जैसे जैसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने लगेंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट को
पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और आप यू विल बी अ नाइस एंड एक्सेलेंट मैन, एंड आपको ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद कहता है कि थियरी एंड एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन फिजिक्स, थियरी एंड एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन फिजिक्स एंड हेल्प ईच अदर्स प्रोग्रेस। द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड गेव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब कहता है कि थियरी और एक्सपेरिमेंट जो है वो साथ साथ चलता रहता है फिजिक्स में, ठीक है। कभी थियरी से बातें अच्छी पता चल जाती हैं, कभी एक्सपेरिमेंट से बातें अच्छी पता चल जाती हैं। जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा रे का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो उसने क्या दिया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, ठीक है। तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि मतलब ना अल्फा अल्फा रे का स्कैटरिंग कैसे किया गया था। तो मतलब ना एक लेड ब्लॉक से, ठीक है, पोलोनियम सैंपल रख के एक लेड ब्लॉक में, और वहाँ से अल्फा रे का बम्बार्डमेंट किया गया। ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल पर अल्फा रे से क्या किया गया, बम्बार्डमेंट किया गया। तो बम्बार्डमेंट करने की वजह से मतलब ना यहाँ से क्या हुआ कि वो रदरफोर्ड तो ये सोच रहे थे कि ना कोई भी रे जो है वो मुड़ेगी नहीं, लेकिन कुछ रेज जो है वो मुड़ने लगी। तो इस वजह से क्या पता चला कि मतलब ना ए मतलब यहाँ पर एटम्स हैं, और उन एटम्स में उन एटम्स मैंने जो कैलकुलेशन करने के बाद उनको पता चला कि बेसिकली ये मतलब ना इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मतलब न्यूक्लियस है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हुआ। तो यू कैन नाउ सी दैट द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ ट्रूली वास्ट। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि फिजिक्स का स्कोप जो है वो ट्रू बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे है कि आप ना आकाश गंगाओं से लेकर के मतलब ना आपके जो आप आसमान में जो चीज़ें देखते हैं, जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोलॉजी है, या फिर जो एस्ट्रोनॉमी है, उस वहाँ से लेकर के मतलब ना हजारों लाखों करोड़ों मतलब ना तारों से लेकर के, और उससे लेकर के एटम से छोटे पार्टिकल मतलब ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे एंटी प्रोटॉन, उससे भी छोटे क्वार्क्स मतलब ना क्वार्क्स, बोजोन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है। तो ये हुआ इसका स्कोप। तो ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है। कहता है कि इट कवर्स अ ट्रेमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब मतलब ना एक बहुत ही रेंज तक ना फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, एनर्जी है, एक्सेट्रा। कहता है कि एट वन एंड इट स्टडीज फेनोमेना एट वेरी स्मॉल स्केल ऑफ लेंथ। कहता है कि एक तरफ तो ये बहुत ही छोटे लेवल पर चीज़ों को देखता है, और तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो वो चीज़ें हैं कि जैसे वो चीज़ें हैं जिनकी जिनका रेडियस जो है वो किस किस लेवल का है, तो 10^-14। अब 10^-14 मीटर बहुत छोटा, 10^-14, 10^-14 ये ना बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा क्या हुआ। 10^-14 का मतलब, अब देखो 10^-3 जो है वो मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर ही कितना छोटा होता है, ठीक है। एक धागे की जितनी मोटाई होती है उतना मोटा मिलीमीटर होता है। ये कह रहा है 10^-14, 10^-14 मतलब धागे में भी, धागे को भी ना, धागे को भी 1 करोड़ बार बांटो, और फिर उसको 1 करोड़ बांटो, 1 करोड़ बार बांटोगे तब जाके तुमको, नहीं, धागे को 1 करोड़ बार बांटो और उसको फिर 1,000 बार, 1 करोड़वें हिस्से को फिर 1,000 बार बांटोगे, तो वो जो धागा का हिस्सा आएगा उसको कहेंगे 10^-14। तो इसी से तुम सोच सकते हो कि मतलब ना कितनी छोटी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहता है कि तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो 10^-14 से भी छोटी चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब 10^-15 के भी बारे में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो वो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जिनका साइज़ जो होता है वो 10^-14 के रेंज में होता है।
टेन टू माइनस 14 के रेंज में होता है, और दूसरी तरफ क्या है कि एट द अदर एंड इट डील्स विथ एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना एट ए स्केल ऑफ गैलेक्सीज। अब देखो गैलेक्सीज कितनी बड़ी होती हैं, जिसमें ना ये हम लोगों का सोलर सिस्टम है वैसे वैसे हजारों लाखों सोलर सिस्टम्स हैं उसमें, ठीक है, तो उनका साइज भी अजब होता है। जैसे उनका साइज अब क्या है, तो उनका साइज होता है 10 to the power 26 के रेंज में, 10 to the power 26 के रेंज में, 10 to the power 26 के रेंज मीटर में है। तो ये अब तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि एक तरफ तो 10 to the power 14 के बारे में हम लोग कर रहे हैं, मतलब एकदम छोटी से छोटी चीज़ का, और यहाँ पर एकदम बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में भी हम लोग फिजिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो कहता है कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए कि इन दोनों के बीच में मतलब कितना फैलाव है, तो आपको पता चलेगा कि द टू लेंथ स्केल डिफर बाई ए फैक्टर ऑफ 10 to the power 40 और इवन मोर। अब इन दोनों के बीच में अगर आप फैलाव देखिए, तो ये 10 to the power 40 मतलब ना बहुत ही बड़ा रेंज है, इतना बड़ा रेंज की चीज़ों को इतनी छोटी से लेके उतनी बड़ी सी चीज़ों के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे। और क्या ही मज़े की बात है कि ना एक छोट मतलब ना एक फिज़िक्स अगर आप पढ़ लें, तो 10 to the power 14 के साइज से लेकर के 10 to the power 26 के साइज, 10 to the power 26 के साइज तक की चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फिज़िक्स जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस बात यह है कि ना आप ध्यान से पढ़ाई करें। फिर कहता है कि द रेंज ऑफ टाइम स्केल्स कैन बी ऑब्टेंड बाई डिवाइडिंग द लेंथ स्केल्स बाई द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, द रेंज ऑफ टाइम स्केल्स। अब टाइम अगर टाइम स्केल अगर आपको निकालना हो तो वो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए लेंथ में, तो हमको टाइम मतलब ना टाइम स्केल मिल जाएगा कि कितना सेकंड से ले कितना सेकंड से लेके कितना सेकंड के स्कोप के बारे में पढ़ना है। तो कोई घटना अगर 10 to the power -22 सेकेंड में होती है, मतलब अब इसी सोच लो एक सेकेंड कितना छोटा होता है और 10 to the power -22 सेकेंड कितना छोटा होगा, ठीक है, 10 to the power -22 सेकेंड का मतलब हुआ कि एक सेकेंड का करोड़वा भाग, फिर उसका करोड़वा भाग, ठीक है, एक मतलब एक करोड़वें एक सेकेंड के एक करोड़वें भाग का करोड़वा भाग का हजारवा भाग, ये हुआ आपका, तो बहुत ही छोटा हुआ। उसी तरह से 10 to the power 18 सेकेंड का मतलब हुआ कि मतलब ना जैसे एक जैसे अगर अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना मिनट होता है, एक एक दिन में मतलब ना एक एक मिनट में 3600 सेकंड होता है, तो एक घंटे में कितना सेकंड होगा, एक मिनट में एक एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो एक दिन में कितना सेकंड होंगे, तो एक दिन में मतलब ना अगर ऐसे लगा लिया जाए तो 4 × 2 = 8 मतलब ना 20 मतलब, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये ना मतलब लाखों साल के बराबर ये टाइम है। तो मतलब हम लोग ये करेंगे कि इतने छोटे समय से लेके इतने बड़े समय के बीच की जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर कहता है कि रेंज ऑफ मास गोज फ्रॉम 10 to the power 30 kg, 10 to the power -30 मतलब ना जैसे इलेक्ट्रॉन का वेट जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उस वेट से लेकर के और बड़े से बड़े वेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो ये इसका मतलब लेंथ के टाइप में क्या स्कोप हुआ उसका, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या स्कोप है इसका, और उसी तरह से मास के मतलब ना रेस्पेक्ट में क्या स्कोप है इसका, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और 10 to the power 55 मास ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल इन यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है जिसको हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया है, तो उसका मास मास जो है वो 10 to the power 55 kg है, मतलब इस पूरी दुनिया का मास जो है वो 10 to the power 55 kg है। उसके बाद कहता है कि टेरेस्ट्रियल फेनोमेना लाइज समवेयर इन द मिडिल ऑफ दिस रेंज। अब यही ना अब ये समझने वाली बात है कि टेरेस्ट्रियल फेनोमेना क्या होता है, ठीक है, एक तो मतलब ना ये एक ना दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ना 10 to the power -14 का पॉइंट है, एक एक 10 to the power 26 का पॉइंट है। तो इन ये एक दोनों एक्सट्रीम है, एक ना माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना है, एक मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना है, और इन दोनों के बीच में जो फेनोमेना आता है उसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल फेनोमेना, उसको क्या कहते हैं। तो ये भी बात समझने लायक है कि टेरेस्ट्रियल फेनोमेना किस चीज़ को कहते हैं, कि इन दोनों चीज़ों के बीच में जो फेनोमेना आता है उसको टेरेस्ट्रियल फेनोमेना कहते हैं।
उसके बाद कहता है कि फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मेनी वेज, कहता है कि फिजिक्स जो है, अब एक और डोमेन ना के बारे में थोड़ा सा सोच सुन लो, कि एक तो माइक्रोस्कोपिक हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक हो गया, उसके बाद एक टेरेस्ट्रियल फेनोमेना हो गया, अब एक और नई नई ना फिजिक्स का एक और ब्रांच, मतलब ना अभी जो जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, उसको कहते हैं मेसो फिजिक्स, ठीक है। और उसमें एटम्स, बेसिकली एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डीलिंग विथ फ्यू टेंस ऑफ हंड्रेड ऑफ एटम्स एंड इमर्ज एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च, तो उसको कहते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। तो कहता है कि फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मेनी वेज, फिजिक्स जो है एक्साइटिंग का मतलब ना है कि फिजिक्स जो है वो बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ी मतलब ना आपको उद्वेलित कर देने वाला है, तो और बहुत तरीके से ये मतलब ना मज़ेदार है, आपके अंदर ना जिज्ञासा को बढ़ाता है। कैसे? टू सम पीपुल द एक्साइटमेंट कम फ्रॉम द एलिगेंस एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ इट्स बेसिक थियोरीज। अब देखो, अब कभी कभी ना तुमको इतना मज़ा आएगा देख के कि एक छोटी सी थ्योरी है और वो ना बहुत सारी घटनाओं को एक साथ बता दे रही है। सो टू सम पीपुल द एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम द एलिगेंस एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ इट्स बेसिक थियोरीज, फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉज कैन एक्सप्लेन फिनोमेना कवरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज। फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉज कैन एक्सप्लेन फिनोमेना कवरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज। तो टू सम अदर्स द चैलेंज इन कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर टू वेरीफाई और रिफ्यूट थियरीज इज थ्रिलिंग। अब देखो कि मतलब ना अब क्या कर रहे हो कि तुम ना पूरी प्रकृति को चैलेंज कर रहे हो। प्रकृति को कैसे चैलेंज कर रहे हो? जैसे कोई प्रकृति में घटना घट रही है, जैसे बारिश हो रही है, और तुम ये पता करना चाह रहे हो कि ये बारिश क्यों हो रही है, तो ये प्रकृति से चैलेंज करना हुआ, क्योंकि प्रकृति में ये घटना घट रही है और आप क्या कर रहे हैं कि चैलेंज करके और उस घटना को, मैंने उसके अंदर का जो रहस्य है उस रहस्य को जान लेते हैं। तो ये कितनी ही मज़ेदार बात है कि ना आप प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को चैलेंज करके जान जाते हैं। अब एक तीसरी चीज़ क्या होती है, उसको कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स इज़ इक्वली डिमांडिंग। अप्लाइड फिजिक्स का मतलब होता है ना कि फिजिक्स में जो थियरीज डेवलप होती हैं या फिर जो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं उनका एप्लीकेशन से, उनके एप्लीकेशन से हम लोग क्या क्या मतलब ना उसके एक्सप्लाइटेशन से और इन एप्लीकेशन से हम लोग नई नई चीज़ों को बनाते हैं। तो कहता है कि एप्लीकेशन एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ फिजिकल लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेज, मतलब ना फिजिक्स के लॉ और थियरीज को मतलब ना यूज़ करके हम लोग यूजफुल डिवाइसेस बनाते हैं। जैसे तुम टेलीविज़न देखते हो या फिर कंप्यूटर देख रहे हो या लैपटॉप्स हैं या कुछ, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी, इन सारी चीज़ों में फिजिक्स का अप्लाइड फिजिक्स मतलब ना फिजिक्स को अप्लाई किया गया है। अप्लाइड फिजिक्स का मतलब हुआ जहाँ पर फिजिक्स अप्लाई हुआ हो, तो उससे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब ना चीज़ें बन पाती हैं, ठीक है। एंड एक्साइटिंग पार्ट एंड रिक्वायर्स ग्रेट इंजेन्यूटी एंड परसिस्टेंस ऑफ एयर। अब ये चीज़ें ना इतनी आसान नहीं है, मतलब फिजिक्स की थ्योरी जानने से आप लैपटॉप नहीं बना सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान दे के और मतलब ना अपना पूरा इंटेलिजेंस यूज करके फिर नई नई चीज़ों को बनाना होगा। तो ये भी एक समझने वाली बात है। तो इन ये ना एक इसका मीनिंग देख लेना कि इंजेन्यूटी का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने स्कोप के बारे में पढ़ा कि स्कोप क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्जियम क्या होता है और मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मतलब ना ये भी समझने वाली बात है कि फिजिक्स में भी हाइपोथेसिस का यूज़ किया जाता है, एक्जियम्स का यूज़ किया जाता है, मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। तो कहता है कि वन शुड नॉट थिंक दैट एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ऑल फिजिक्स एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन एजम्पन्स, ईच ऑफ विच इज वेरियसली कॉल्ड अ हाइपोथेसिस और एक्जियम और पॉस्टुलेट एक्सेट्रा। कहता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स को भी, फिजिक्स और मतलब ना सारी चीज़ें, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए ना कि सारी चीज़ों को हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब ना सारी फिजिक्स या मैथमेटिक्स जो है वो बेस्ड है कुछ ना बेसिक एजम्पन्स हैं, मतलब ना एज्यूम किया शुरुआत के लोगों ने कुछ चीज़ें एज्यूम की, और उस एज्यूम करने मतलब ना
उस एजम्पन्स को कभी कभी क्या कहते हैं, उन्हीं एजम्पन्स को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, या एक्सियम कहते हैं, चाहे पॉस्टुलेट कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज बाई न्यूटन इज एन एजम्पन और हाइपोथेसिस। अब क्या है कि अगर आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें तो न्यूटन ना, जैसे जो प्रचलित कथा है, तो उस कथा के हिसाब से कहता है कि न्यूटन जो है वो अपने बाग में बैठा हुआ था, और बाग में बैठा हुआ था, एप्पल गिरा तो वो ये सोचने लगा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, और उसके बाद से उसने एज्यूम किया कि अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ना जो नीचे पृथ्वी है वो उसको ऊपर से खींचती है। तो उसने ये एज्यूम किया, ठीक है, उसके पास कोई तरीका नहीं था ये बात बताने का कि ये चीज़ जो है, मतलब ना अर्थ जो है, कैसे इसको वेरीफाई करोगे कि अर्थ नीचे खींच ही रही है, हो सकता है कोई और भी बात हो। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन ये तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, एजम्पशन कहते हैं। तो न्यूटन ने ये एज्यूम किया, न्यूटन ने क्या एज्यूम किया, या उसकी ये एक हाइपोथेसिस थी कि जब एप्पल पेड़ से नीचे गिरा तो उसको पृथ्वी ने अपनी ओर खींचा। तो और ये उसने अपने इंटेलिजेंस से किया, उसने कोई, उसके पास ना ही तो कोई प्रूफ था और ना ही इसका कोई, मतलब ना कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता था। बिफोर हिम देयर वर सेवरल ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट एंड डेटा ऑन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, पेंडुलम्स, बॉडीज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ एक्सेट्रा। ईच ऑफ दीज रिक्वायर्ड अ सेपरेट एक्सप्लेनेशन विच वॉज मोर और लेस क्वालिटेटिव। वॉट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज इज दैट इफ वी एज्यूम दैट एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन वी कैन एक्सप्लेन ऑल दिज ऑब्जर्वेशन इन वन स्ट्रोक। इट नॉट ओनली एक्सप्लेन्स दिस फेनोमेना, इट ऑल्सो अलाउज अस टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर अब ये था कि पहले, मतलब ना न्यूटन से पहले भी क्या होता कि लोगों को ये पता था कि पेंडुलम जो है वो कैसे, मतलब ना दोलन, मतलब ना कैसे वो पीरियोडिक मोशन में रहता है, चाहे चीज़ें जो हैं वो नीचे ही गिरती हैं, और लोगों ने अपने अपने ख्यालात के हिसाब से, अपने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से थ्योरीज बनाई हुई थी। लेकिन न्यूटन ने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को एक जगह करके और कहा कि ये न्यूट मतलब ना ये ग्रेविटेशन लॉ जो है ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। और उसने इस एजम्पशन को अप्लाई किया बाकी सारी चीज़ों पर, और उसने सारी चीज़ों के बारे में सही सही बताया अपने लॉ से। इसलिए इस हाइपोथेसिस का उस वक्त कोई प्रूफ तो नहीं था, लेकिन उसने इस हाइपोथेसिस से क्या किया कि ये बताया कि ये इन सारी चीज़ों को हम लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हाइपोथेसिस समझ में आ गया कि हाइपोथेसिस या एक्जियम किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हाइपोथेसिस इज ए सपोजिशन। हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस इज ए सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू, विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू। इट वुड नॉट बी फेयर टू आस्क एनी बडी टू प्रूव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट कैन बी वेरीफाइड एंड सब्सटेंशिएटेड बाई एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो कहता है कि हाइपोथिसिस जो है वो एक तरह का, मतलब ना एक तरह का प्रस्ताव है, ठीक है, एक तरह का प्रस्ताव है जिसमें इसकी गारंटी नहीं है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। और अगर आपको, आप ना किसी से कहें कि आपने मुझे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन जो है वो प्रूफ करके दिखाइए, तो ये वो नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। आप ना ये कह सकते हैं कि चूंकि देखो, मतलब ना अगर अट्रैक्शन नहीं है, जैसे पेड़ से फल गिरता है और ज़मीन पर गिरता है, और इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं है तो वो कैसे यहाँ पर आता है, और इसको हम लोग और सारे एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्वेशन से क्या कर सकते हैं, मतलब ना इस आर्गूमेंट को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रूव नहीं कर सकता है इसको। आई बात समझ में, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का प्रोपोजिशन है, एक तरह का हाइपोथेसिस है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एन एक्जियम इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ व्हाइल ए मॉडल इज थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फेनोमेना। अब कहता है कि एक्जियम क्या होता है, एक्जियम जो होता है वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है, ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ के बारे में क्या होती है बात, कि ना मतलब वो खुद ही से एक सच्चाई है,
मतलब ना एक्सियम जो होता है वो खुद में एक सच्चाई है। जैसे पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का मतलब जैसे एक्सियम जो होता है वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है। और मॉडल क्या होता है, मॉडल जो है, मॉडल इज अ थियोरी प्रपोज टू एक्सप्लेन। मॉडल क्या होता है कि एक थियोरी होती है, एक थियोरी दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फेनोमेना, जो कोई घटना है, उसको ऑब्जर्वेशन किया गया और उस ऑब्जर्वेशन के बाद से उसको कैसे मतलब ना उसको कैसे थियोरी में कन्वर्ट किया जाए, तो उसकी मॉडलिंग की जाती है। तो उसको मतलब ना जो जो हमको नया थियोरी मिलता है उसको क्या कहते हैं, मॉडल। बट यू नीड नॉट वरी एट दिस स्टेज अबाउट द नुआंसेज इन यूजिंग दिस सेंटेंसेज। तो मतलब ना इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि एक्सियम क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या होगा, क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि मतलब ना एक्सियम क्या होता है, थियोरी मतलब ना हाइपोथेसिस क्या होता है, या फिर मॉडल क्या होता है। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो गई होगी। नेक्स्ट ईयर यू विल लर्न अबाउट बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, तो इन बोर इन विच बोर एज्यूम दैट, अब बोर ने एजम्पशन किया, बोर ने जब हाइड्रोजन मॉडल दिया तो इसीलिए उसको ना पोस्टुलेट कहते हैं, या हाइपोथेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स कहते हैं, कि बोर ने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन पोस्टुलेट्स, और इसको पोस्टुलेट कहते हैं। कि बोर ने कहा कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ रूल को फॉलो करता है, और उसके पास उसकी कोई मतलब ना प्रूफ नहीं था, उसने बस एज्यूम किया। लेकिन ये एजम्पशन भी उसने ऐसे ही नहीं किया था, ये एजम्पशन उसने ऐसे ही नहीं किया था, उसके पास ना बहुत सारी डेटा थी। उसने उस डेटा को देखा और डेटा देख के उसको समझ में आया कि अगर इन सारी चीज़ों को ऐसे होना है तो इसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि अगर आपको, अगर मान लीजिए कि अगर आप 10 घंटा पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये मेरा एजम्पशन है। इसको प्रूफ तो नहीं किया जा सकता है कि आप एकदम बन ही जाएंगे डॉक्टर, लेकिन ये मेरा एजम्पशन है। और ये एजम्पशन किस चीज़ पर बेस्ड है, कि पहले के जितने लड़कों ने 10 घंटा पढ़ाई किया है वो सारे लोग डॉक्टर बन गए। तो ऐसे ही माने हवा में उसने पोस्टुलेट, माने हवा में उसने एज्यूम नहीं किया था, उसके पास डेटा थी सब्सटेंशिएट करने के लिए, और उसी डेटा पर बेस्ड उसने क्या किया था, मतलब ना एजम्पशन किया था। तो एक बार ना पोस्टुलेट्स के बारे में भी ये देख लीजिए कि पोस्टुलेट किसे कहते हैं। व्हाई डिड ही डू दैट, देयर वाज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा बिफोर हिम व्हिच नो अदर थियरी कुड एक्सप्लेन। तो क्या था कि बोर जो था, नील्स बोर जो था, तो उसने देखा कि बहुत सारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक से स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो डेटा आया हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है जिसमें ना चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे इसका मतलब ना स्पेक्ट्रम आता है, इसका स्पेक्ट्रम कैसे आता है, स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम लोग देखेंगे बाद में। बस ये समझने की ज़रूरत है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम देखते हैं किसी भी मटेरियल का, स्पेक्ट्रम जो है किसी भी केमिकल का, किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसे आ रहा है, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम से, तो नील्स बोर्स के पास ना ये बहुत सारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा था, और उस डेटा को ना कोई भी थियोरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ये ऐसा क्यों है, ये डेटा सारा क्यों है। तो इस वजह से उस ना डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने कुछ चीज़ों को एज्यूम किया कि अगर हाइड्रोजन का एटम इस तरह से बिहेव करे, ठीक है, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ उस तरह से बिहेव करे, तो ये नया डेटा है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ना सारा डेटा जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा कि ना ये कैसे कैसे मतलब ना ये डेटा अवेलेबल हुआ है हम लोगों के पास। फिर कहता है कि आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज आल्सो बेस्ड ऑन टू पोस्टुलेट्स। अब आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया था, एज्यूम किया था, दो एजम्पशन किया था। कौन सी एजम्पशन की थी, तो द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड वैलिडिटी ऑफ फिजिकल लॉज इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहा कि मतलब ना आइंस्टाइन ने भी जो अपना स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो उसमें दो चीज़ें एज्यूम की थी कि सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिकल लॉ जो होगा वो वैलिड होगी, और मतलब ना स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगी। तो उसके बाद कहा कि इट वुड नॉट बी वाइज टू आस्क समबडी टू प्रूव दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर। अब ये भी हम लोग बाद में देखेंगे कि अगर ना आप किसी से कहें कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में कांस्टेंट होता है, इसको क्या करो कि ना तुम प्रूव करो,
तो वो नहीं प्रूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर रहेगा, जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर रहेगा तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ फैलेसी रहेगी, और वो फैलेसी भी हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि वो क्या मतलब ना उसमें क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने एजम्पशन करके फिर मतलब जो डेटा अवेलेबल था उस ज़माने में, उस ज़माने के अवेलेबल डेटा को एजम्पशंस के बेसिस पे क्या किया कि ना बताया, मतलब ना उसको एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब है कि फिज़िक्स में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो बेसिकली हम लोग अपने लॉजिक को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि हम लोग जो भी नेचुरल फेनोमेना है उसके बारे में बता सकें। फिर कहता है कि इन मैथमेटिक्स टू, मतलब मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि वी नीड एक्जियम्स एंड हाइपोथेसिस एट एवरी स्टेज, मतलब ना मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, एक्जियम और हाइपोथेसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो एक्सप्लेन करने में मदद करता है। उसके बाद कहता है कि जैसे यूक्लिड स्टेटमेंट दैट पैरेलल लाइंस नेवर मीट इज अ हाइपोथेसिस, यूक्लिड का ये स्टेटमेंट कि पैरेलल लाइन जो है वो दोनों आपस में नहीं मिलती हैं, ये क्या है, एक तरह का हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब ना उसने ये मान लिया कि पैरेलल लाइंस एक मतलब कैसे सिद्ध करो ये पैरेलल लाइंस नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, नहीं सिद्ध हो सकता है। वो तो यूक्लिड्स ने पहली बार इसको माना था कि पैरेलल लाइंस मिल ही नहीं सकती हैं, मतलब ना पैरेलल लाइंस जो हैं वो कहीं नहीं मिल सकती हैं। तो क्योंकि जो अभी हम लोग ना ज्योमेट्री देखते हैं तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री, तो उसमें पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना रहता है। तो पैरेलल लाइंस को यूक्लिड ने कहा था कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट, तो ये पैरेलल लाइंस नेवर मीट जो है ये क्या है, एक तरह की हाइपोथेसिस है। दिस मींस दैट इफ यू एज्यूम दिस स्टेटमेंट वी कैन एक्सप्लेन सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड टू और थ्री डायमेंशनल फिगर्स मेड आउट ऑफ देम। लेकिन इस हाइपोथेसिस से फायदा ये हुआ कि अगर हम लोग इस बात को मान लें कि ना पैरेलल लाइंस एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, तो उसके बाद से ना हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र खुल जाता है, जो क्षेत्र क्या करता है, स्ट्रेट लाइन के सारे प्रॉपर्टीज़ को और थ्री डायमेंशनल फिगर्स के सारे प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट एज्यूम इट यू आर फ्री टू यूज़ अ डिफरेंट एक्जियम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ना इसको एज्यूम नहीं करें तो आप दूसरा कोई एग्जियम बना सकते हैं, मतलब एग्जियम का सेल्फ सेल्फ प्रोवाइडेड ट्रूथ, ठीक है, दूसरा कोई एग्जियम बना सकते हैं और वो एक नई ज्योमेट्री होगी, जैसा कि अभी मतलब ना बहुत सारे मतलब ना जो पिछले कुछ 100-200 सालों में अलग अलग तरह की ज्योमेट्री जो है, जैसे रेने डेकार्टिस ने जो ज्योमेट्री लाई वो ज्योमेट्री अब मतलब नई नई ज्योमेट्री बनाई गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ना इसका ना एग्जियम्स नए नए एग्जियम्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ एग्जियम मतलब नॉर्मली ये एग्जियम्स होते हैं या हाइपोथेसिस होते हैं, इनकी प्रूफ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हाट लाइज बिहाइंड द फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, कहता है कि पिछले कुछ सदियों में फिजिक्स का बड़ा ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, पिछले कुछ, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है कि पिछले सदी में फिजिक्स का बड़ा ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ। तो कहता है कि ग्रेट प्रोसेस यूजुअली एकम्पनीज चेंज इन आवर बेसिक परसेप्शंस, ग्रेट प्रोसेस यूजुअली एकम्पनीज चेंज इन आवर बेसिक परसेप्शंस। फर्स्ट इट वॉज रियलाइज दैट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस ओनली क्वालिटेटिव थिंकिंग दो नो डाउट इम्पॉर्टेंट इज नॉट एनफ, क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट इज सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ साइंस स्पेशली फिजिक्स बिकॉज द लॉज ऑफ नेचर हैपन्स टू बी एक्सप्रेसिबल इन प्रिसाइज मैथमेटिकल इक्वेशंस। कहता है कि मतलब ना लास्ट दो सेंचुरीज में ये समझ में लोगों को आ गया कि केवल आप दिमाग में बातों को सोचेंगे, क्वालिटेटिवली अगर सोचेंगे केवल, तो आप ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस साइंस में नहीं कर सकते हैं और स्पेशली फिजिक्स में उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा और मैथमेटिक्स से आपको प्रिसाइज इक्वेशंस बना के, क्योंकि सारा नेचर जो है वो प्रिसाइजली मैथमेटिकल इक्वेशंस में आ जाता है,
ठीक है। उसके बाद कहा गया कि द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट वॉज दैट द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। दूसरी बात यह है कि एक बात और ये पता चल गई कि फिजिक्स की जो भी बेसिक लॉज हैं, फिजिक्स की जो भी आधारभूत लॉज हैं, वो सारी लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल है। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ में अप्लाई होगा और किसी दूसरी चीज़ में नहीं अप्लाई होगा। उसके बाद कहता है कि द सेम लॉज अप्लाई इन वाइडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लास्टली द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन टर्नड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। अब आखिर मतलब ना ये सारे लॉज जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होते हैं और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। इन्हीं चीज़ों के बारे में तो पढ़ना है। कहता है कि लास्टली द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद कहता है कि मोस्ट ऑब्जर्व्ड फेनोमेना इन डेली लाइफ आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ बेसिक लॉज। कहता है कि आप अपने जीवन में मतलब कठिन से मतलब कितना मतलब कोई भी फेनोमेना आप देखते हैं वो क्या है कि उसमें बहुत सारी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, मतलब बहुत सारी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं कॉम्प्लिकेट मतलब ना कॉम्प्लिकेटेड वे में, मतलब ना 1000 10000 तरह के मतलब ना कोई भी घटना अगर घट रही होगी तो उसमें जो बेसिक लॉज हैं, बेसिक फिजिक्स के लॉज हैं, उन्हीं सारे बेसिक फिजिक्स के लॉ को मिला करके भले ही वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में मिली हुई हैं वही आपको मतलब ना पर्दे पर दिखती हैं, वही आपको सामने से दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखिएगा तो आप उसको अलग अलग बेसिस लॉज में बांट सकते हैं। तो ये है ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। उसके बाद कहता है कि साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए फेनोमेना फ्रॉम इट्स लेस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द फेनोमेना इन वन गो। अब एक और बात ध्यान देने लायक है कि ना जब आप किसी फिजिकल फेनोमेना के बारे में सोच रहे हों, जब किसी फिजिकल फेनोमेना के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हों, तो एक ही बार ना सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मत ले लीजिए। जैसे हम लोग जब मतलब ना जैसे जैसे ना कोई गाड़ी चल रही है तो हम लोग जब वो चल रही है तो जैसे एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि एयर रेसिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली तो एयर रेसिस्टेंस भी है, लेकिन हम लोग उसको मतलब अकाउंट में नहीं लेते हैं क्योंकि अगर सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक बार ले लिया जाएगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि ना सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक साथ लिया ले कितना लिया जाए कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जो निग्लेक्ट करने लायक है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाए और जो लेने लायक है उसको ले लिया जाए। अब ये भी डिपेंड करता है कि कैसी कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निग्लेक्ट किया जाता है और कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रखा जाता है। कहता है कि अ गुड स्ट्रैटेजी इज़ टू फोकस फर्स्ट ऑन द एसेंशियल फीचर्स, ठीक है। तो है ना कि स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपकी कि आप फोकस कीजिए कि एसेंशियल फीचर्स उस फेनोमेना के क्या हैं, माने जो कोई घटना घट रही है उसमें जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो क्या हैं, एसेंशियल फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड देन इंट्रोड्यूस करेक्शंस टू बिल्ड द मोर रिफाइंड थियोरी ऑफ फेनोमेना। तो जैसे जो कोई घटना घट रही है तो सबसे पहले उसके बेसिक फीचर्स पर ध्यान देते हैं कि ये कैसे हो रही है, उसके बाद से अपने मतलब ना जो आप बेसिक प्रिंसिपल आपको मिले उसको ना उसमें उसको आप सही माने करेक्ट करते जाइए और अपनी थ्योरी को माने थ्योरी में सुधार लेते जाइए। आखिर में आपकी थ्योरी जो है आपकी जो थ्योरी है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में वो एकदम से मतलब ना अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे शुरू शुरू में मान लीजिए कि आप ना देख रहे हैं कि गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है तो आप शुरू में एयर के रेसिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिए, ठीक है, एयर के रेसिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया तो एयर के रेसिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया। लेकिन मान लीजिए अगर आप फरारी कार बना रहे हैं तो उसमें आप एयर के रेसिस्टेंस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ वो बहुत तेज़ चलती है और एयर का रेसिस्टेंस जो है वहाँ पर निग्लिजिबल नहीं हो सकता है, तो आप एयर के रेसिस्टेंस को भी उसमें डाल देते हैं। फिर से एयर ड्रैग होता है, एयर ड्रैग को भी मतलब ना वो भी डालना पड़ेगा कि अगर एयर का मतलब ना ये है क्या है मतलब ना और सारी जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग आगे देखेंगे। तो ये देखना होता है ना कि कहाँ पर आपको अपना दिमाग अप्लाई करना रहता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ का एप्लीकेशन करना है और कहाँ पर किस चीज़ का एप्लीकेशन नहीं करना है, और वो हम लोग आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आएंगी। लेकिन जब आप सोच रहे होते हैं तो सोचते वक्त ना अपने आप को
सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना है, बेसिक फीचर्स पर ध्यान देना है, उसके बाद से तब आप अपने बेसिक जो आपको अगर प्रिंसिपल्स पता चल गए तो उसके बाद से आप ना उसमें अलग अलग एंगल से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको सोच के और अपने थियोरी को रिफाइन कर सकते हैं। फिर कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन एंड अ फेदर, कहता है कि अ स्टोन एंड अ फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख, जो मतलब ना किसी भी इसका पंख होता है तो उसको फेदर कहते हैं। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन एंड अ फेदर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। कहता है कि एक ना पत्थर और एक फेदर दोनों को एक साथ गिराया गया, मतलब ना किसी ऊंचाई से, तो किसी ऊंचाई से गिराया गया, वो जब ज़मीन पर आते हैं तो दोनों एक समय पर नहीं आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, होना तो ये चाहिए, ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि दोनों एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि द रीज़न इज दैट द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फेनोमेना नेमली फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इज कॉम्प्लिकेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी किस चीज़ के बारे में कहती है, ग्रेविटी कहती है कि फ्री फॉल होना चाहिए। ठीक है, मतलब एयर का रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो फ्री फॉल होगा, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन किस लिए बढ़ गया है, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, और एयर के रेजिस्टेंस की वजह से फेदर पर तो असर पड़ रहा है, मतलब ना मुर्गी के पंख पर चाहे चिड़िया के पंख पर असर तो पड़ रहा है, लेकिन गेंद चूंकि इतना भारी है कि उस पर असर नहीं पड़ रहा है। तो लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है, कॉम्प्लिकेशन में प्रॉब्लम है। टू गेट द लॉ ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इट इज़ बेटर टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इन द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अब अगर आपको मतलब ना फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस ऑफ एयर को नेग्लिजिबल करना होगा। सो वी कैन फॉर एग्जांपल लेट द स्टोन एंड द फेदर फॉल थ्रू अ लॉन्ग इवैक्यूएटेड ट्यूब। अब हम क्या करेंगे कि एक ना खाली इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर से हवा निकाल के और उसमें से गेंद और फेदर दोनों को गिराएंगे। इन दैट केस द टू ऑब्जेक्ट्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम रेट गिविंग द बेसिक लॉ दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। विथ द बेसिक लॉ दस फाउंड वी कैन गो बैक टू द फेदर इंट्रोड्यूस करेक्शंस ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग थियरी एंड ट्राई टू बिल्ड अ मोर रियलिस्टिक थियरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टू द अर्थ अंडर ग्रेविटी। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने मतलब ना जो थियरी थी उसमें सुधार कर लिया कि ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो एयर मतलब रेसिस्टेंस में नहीं लगता है, वो कहाँ लगता है, मतलब एयर रेसिस्टेंस में भी लगता है लेकिन उसकी वजह से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम लोग एयर रेसिस्टेंस हटा देंगे तो डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, मतलब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। तो फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है, तो कहता है कि द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जाम्पल्स। तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजिन्स। तो कहता है कि थर्मोडाइनेमिक्स की मतलब थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो थर्मोडाइनेमिक्स डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एरोज डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजिन्स। तो हीट इंजिन्स को इम्प्रूव करने के लिए थर्मोडाइनेमिक्स मतलब फिजिक्स का ये जो डिपार्टमेंट थर्मोडाइनेमिक्स आप देखते हैं इस ये मतलब ना ये आगे ही इसलिए बढ़ा क्योंकि लोग चाहते थे कि हीट इंजिन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो द स्टीम इंजिन एज वी नो इज इनसेपरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड में 18वीं सदी में, तो स्टीम इंजन के वजह से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था विच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और उस वजह से क्या हुआ कि जो हमारी मानव सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब ये बात है कि कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से फिजिक्स जो है वो इम्प्रूव करती है, और कभी कभी क्या होता है कि नई फिजिक्स में फिजिक्स जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी देता है। कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ द लैटर इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट फॉलोड द डिस्कवरी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 19th सेंचुरी।
तो कहता है कि जैसे अगर आपको ये जानना हो कि फिजिक्स वजह से टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होती है, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये 18वीं सदी से, मतलब 19वीं सदी से पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि फिजिक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जब बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 19वीं शताब्दी में खोज लिया गया, 19th सेंचुरी में खोज लिया गया, तो क्या हुआ कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो नई इजाद हुई, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या होता है कि फिजिक्स जब आगे बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है। कहता है कि द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज ईजी टू फोरसी। कब मतलब ना, अब ये भी होता है कि ये भी नहीं है ना कि आप फिजिक्स का एप्लीकेशन आसानी से ये पता कर लेना कि अगर ये फिजिक्स में इजाद हो गया तो इससे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बताई जा सकती है। जैसे एज लेट एज मतलब ना, जैसे कि 1933 तक, मैंने यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 1933 तक द ग्रेट फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैज डिसमिस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग एनर्जी ऑफ फ्रॉम एटम। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड जैसा मतलब ना साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, उसने कहा कि एटम से एनर्जी तो कोई हासिल ही नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन बट ओनली अ फ्यू ईयर्स लेटर, बस 5 साल के बाद, हान और माइटनर ने डिस्कवर द फेनोमेना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। तो हान और माइटनर ने क्या किया कि यूरेनियम का फिजन करा दिया, विच वुड सर्व एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर वेपन्स। तो उससे क्या हो गया, न्यूक्लियर फिजन होने से मतलब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बने और न्यूक्लियर वेपन्स बने। तो अल्टीमेटली अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कहते थे कि एटम से एनर्जी हासिल नहीं की जा सकती है, उसको किसने हासिल करवा दिया? हान और माइटनर ने न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन को मतलब इजाद करके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में एटम से एनर्जी हासिल कर ली। तो ये बात है कि कभी कभी ना फिजिक्स के डेवलपमेंट से ये नहीं बताया जा सकता है ना कि कौन कौन सा फ़ायदा इससे लिया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि येट अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी इज द सिलिकन चिप दैट ट्रिगर्ड द कंप्यूटर रिवोल्यूशन सिलिकन चिप दैट ट्रिगर्ड द कंप्यूटर रिवोल्यूशन इन द लास्ट 3 डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी, मतलब ना फिजिक्स से कैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ। तो फिजिक्स से जैसे जिस सिलिकन चिप जो है, सिलिकन चिप से क्या हुआ कि कंप्यूटर में रिवोल्यूशन आ गया 20th सेंचुरी, मैंने 20वीं शताब्दी में। कंप्यूटर जो आज आप देख रहे हैं उसमें मेमोरी का साइज बढ़ गया, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया टू विच फिजिक्स हैज़ एंड विल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग एनर्जी सोर्सेज। कहता है कि फिजिक्स जो है, अब नेक्स्ट जो होगा फिजिक्स का डेवलपमेंट, वो अल्टरनेटिंग एनर्जी रिसोर्स में होगा, ठीक है। द फॉसिल फ्यूल्स द प्लांट्स आर ड्विंडलिंग फास्ट। फॉसिल फ्यूल्स जो मतलब ना जमीन से जो फ्यूल्स निकाले जाते हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो वो ड्विंडलिंग का मतलब ना ख़त्म हो रहे हैं जल्दी, ड्विंडलिंग फास्ट। एंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डिस्कवर न्यू एंड अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ज़रूरत यह है कि अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढी जाए, ऐसे अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढी जाए। तो क्योंकि वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं, मान लीजिए एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो फिर लोग क्या करेंगे, लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो कहता है कि कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज ऑलरेडी मेड इन द डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इन कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी एक्सेट्रा इंटू इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है जो फिजिक्स की देन है, फिजिक्स की देन है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल जो बनता है तो सोलर पैनल में कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी करते हैं, और जियो थर्मल एनर्जी को कभी कंजर्व करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, और मतलब ना इन सारी चीज़ों को किस चीज़ में कंजर्व करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन बहुत सारा अभी अचीव करना बाकी है, बट मच मोर इज स्टिल टू बी एकम्प्लिस्ड। कहता है कि कुछ न मतलब टेबल 1.1 में लिस्ट सम ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट देयर मेजर कंट्रीब्यूशन एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिन। यू विल अप्रिसिएट फ्रॉम दिस टेबल द मल्टी कल्चरल इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ द साइंटिफिक इंडेवर्स। अब आप ये भी देख सकते हैं ना कि ऐसी बात नहीं है ना कि केवल अमेरिका के लोग या इंग्लैंड के लोग रिसर्च करते हैं। जब आप देखेंगे उस लिस्ट में तो सारे देशों के लोग रिसर्च करते हैं और उन लोगों ने साइंस में योगदान दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल इंटर साइंस जो है वो अब एक इंटरनेशनल
इंटरप्राइज है और सारे लोग मिलके खोज करते हैं। उसके बाद कह रहा है टेबल 1.2 लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज एंड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स दे आर बेस्ड ऑन। अब टेबल 1.2 में हम लोग ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और वो फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हमारे आसपास की जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है वो है ही। ऑब्वियसली दिस टेबल्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ना ये टेबल्स ऐसा नहीं है ना कि बस इतना ही टेक्नोलॉजीज हैं और इतना ही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखना है, जो आप देख सकते हैं। और किताब कहता है कि मतलब वी अर्ज यू टू ट्राई एंड ऐड मेनी नेम्स एंड आइटम्स टू दिस टेबल्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, गुड बुक्स एंड वेबसाइट ऑन साइंस, यू विल फाइंड दैट दिस एक्सरसाइज इज वेरी एजुकेटिव एंड ऑल्सो ग्रेट फन एंड एश्योर्डली इट विल नेवर एंड, द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज अनस्टॉपेबल। तो किताब आपको कहता है कि आप ना अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये फाइंड आउट कीजिए कि फिजिक्स का कहाँ कहाँ और कौन कौन टेक्नोलॉजीज़ में एप्लीकेशन हुआ है, तो इससे आपको बहुत ही नॉलेज होगा और आपके लिए ये बड़ा ही मज़ेदार होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप देखते होंगे कि ये जादू हो रहा है लेकिन ऐसे एक्चुअली वो जादू नहीं है, वो फिजिक्स है। ठीक है, तो फिर कहता है कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर है और नेचुरल फेनोमेना है। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ नेचर करते हैं और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, मतलब आप हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिसिस्ट ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर। फिजिसिस्ट क्या काम करते हैं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि फिजिक्स तो स्टडी ऑफ नेचर है एंड नेचुरल फेनोमेना है, फिजिसिस्ट क्या करते हैं? तो फिजिसिस्ट ये करते हैं कि ये घटनाएँ जिस रूल्स से हो रही हैं, ठीक है, जिस रूल से ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे ये नेचर जो है ये जिससे ऑपरेट हो रहा है, उन रूल्स को वो लोग फाइंड आउट करते हैं। और कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। कहता है फिजिक्स डील्स विद सर्टेन बेसिक रूल्स लॉज गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिक्स डील्स विद सर्टेन बेसिक रूल्स लॉज गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फिजिकल? अब हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल लॉज का क्या नेचर होता है। वी शैल नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज एंड द लॉज दैट गवर्न द डाइवर्स फेनोमेना ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब हम लोग ये ट्राई करेंगे कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या हैं और फंडामेंटल नेचर में फंडामेंटल फोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल फोर्सेज जो हैं ये फिजिकल वर्ल्ड को कैसे, फिजिकल वर्ल्ड के जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के घटने में कैसे मदद करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब गोल है, ये हमारा अब गोल है। तो सबसे पहले तो टेबल 1.1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ना फिजिसिस्ट और वो वर्ल्ड के किस पार्ट से हैं, तो जैसे आर्कमिडीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, आर्कमिडीज़ ने कौन सी प्रिंसिपल दी थी, तो प्रिंसिपल ऑफ बायंसी और प्रिंसिपल ऑफ लेवर दिया था। गैलीलियो गैलीली ने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था और वो रहने वाले थे इटली के। क्रिश्चियन हाइगन्स जो थे उन्होंने वेव थियरी ऑफ लाइट दी थी और वो रहने वाले थे हॉलैंड के। आइजक न्यूटन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने लॉज ऑफ मोशन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया था। और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे माइकल फेराडे। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो भी कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कहाँ के रहने वाले थे? वो यूके के रहने वाले थे। हेनरिक रुडोल्फ हर्ज इन्होंने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। जगदीश चंद्र बोस जगदीश चंद्र बोस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंडिया के रहने वाले थे। मतलब ये भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे फिजिसिस्ट हुए हैं, उसमें से जिसमें जेसी बोस जगदीश चंद्र बोस का नाम बहुत ही, उन्होंने किस चीज़ पर रिसर्च किया था? अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव पर रिसर्च किया था और उन्होंने मतलब ना कंट्रीब्यूट किया था इसमें। उसके बाद से आपने डब्ल्यू के विलियम रोंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक्सरे का जिसने मतलब ना डिस्कवरी की थी और वो जर्मनी का रहने वाला था। जैसे जे जे थॉमसन उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और वो यूके का रहने वाला था।
उसी तरह से मैरी एस्कोल्स्कवा क्यूरी, मैरी मेरी क्यूरी के बारे में बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, और सी वॉज अ ग्रेट लेडी। तो इसने भी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब ना डिस्कवरी की थी, दो एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी केमिस्ट्री में, रेडियम और पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम दोनों की डिस्कवरी किसने की थी? मेरी क्यूरी ने। और नेचुरल मतलब रेडियो एक्टिविटी जो होती है, और ये रहने वाली थी पोलैंड की, पोलैंड की रहने वाली थी मतलब क्यूरी, मेरी क्यूरी। और उसके बाद से जो करंट मैन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थियोरीज जो है वो इन लोगों ने दी थी। अब हम लोग इसमें चलते हैं, टेबल टू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब ना फिजिक्स का, जैसे विक्टर फ्रांसिस हेस है, आर ए मिलिकन, तो ये सब आप एक बार पढ़ के देखिएगा कि किसने क्या दिया, कैसे दिया। वैसे हम लोग आगे भी एक बार फिर से देखेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या क्या हैं। वी ऑल हैव एन इंट्यूटिव नोशन ऑफ इंट्यूटिव इंट्यूटिव नोशन ऑफ फोर्स, मतलब हम लोग सारे लोग जो हैं, हम लोगों को एक तरह का इंट्यूशन है कि फोर्स क्या होता है, हम लोगों की एक समझ है। इंट्यूशन का मतलब होता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हम लोग तो अभी ये देखेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या क्या हैं। तो अब हम लोगों को इंट्यूशन है, मतलब हम लोगों को एक समझ है कि फंडामेंटल फोर्स मतलब फोर्स क्या होता है। ठीक है, आपको आपको भी समझ है कि फोर्स क्या होता है। इंट्यूशन का मतलब होता है समझ, इंट्यूशन का मतलब होता है समझ। तो हम लोगों को ये समझ तो है कि फोर्सेस क्या होती हैं, मतलब फोर्स से क्या समझते हो। तो अब लेकिन हम लोग उसको और एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। इन आवर एक्सपीरियंस फोर्स इज नीडेड टू पुश, फोर्स इज नीडेड टू पुश कैरी और थ्रो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग अपनी मतलब ना डे टू डे लाइफ में फोर्सेस को कब एक्सपीरियंस करते हैं? जब किसी चीज़ को धकेलना रहता है, या खींचना रहता है, या उठाना रहता है, या फेंकना रहता है, या उसको ना मतलब डिफॉर्म करना रहता है, माने पिचकाना रहता है, या फिर उसको तोड़ना रहता है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन अस, मतलब ना अगर हमको मान लीजिए कोई कोई आदमी घूंसा मारता है तो हमें समझ में आता है, मतलब ये इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है आपको। लाइक वेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट हिट अस और वेन और वी आर इन मेरी गो राउंड, गोइंग फ्रॉम दिस इंट्यूटिव माने इस समझ, गोइंग फ्रॉम दिस इंट्यूटिव नोशन टू द प्रॉपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज नॉट अ ट्रिवियल मैटर। अब हम लोग को समझ में तो आता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली अगर आपको कहा जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या है, तो वहाँ तक मतलब इस समझ से वहाँ तक जाने में बहुत मतलब ना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि पहले के जो थिंकर्स थे, या मतलब ना जो बहुत बड़े पढ़ माना जो जिन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल मतलब अरस्तु। तो उसने भी फोर्स के बारे में सोचा था कि फोर्स क्या चीज़ होती है, लेकिन उसका जो आइडिया था, हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। अर्लियर थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल हैड रॉन्ग आइडियाज अबाउट इट, मतलब ना उसका आइडिया जो फोर्स के बारे में था वो गलत था। द करेक्ट नोशन ऑफ फोर्स वॉज अराइव्ड बाई, तो सबसे पहले सबसे बेस्ट जो मतलब फोर्स के बारे में डिफिनेशन दिया, तो वो किसने दिया? आइजक न्यूटन ने दिया इन हिज फेमस लॉज ऑफ मोशन। ही ऑल्सो गेव एन एक्सप्लिसिट फॉर्म फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। वी शैल लर्न दिस मैटर्स इन सब्सिक्वेंट चैप्टर।